नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं हूं अपर्णा। मौजम वक्त हो गया है एमपी अब तक का। शुरुआत कर रहे हैं इंदौर से मिल रही खबर के साथ, जहां इंदौर में झमाझम बारिश हो रही है। कई गरबा पंडालों में पानी भर गया है, जिससे आयोजकों की परेशानियां बढ़ गई है। नवरात्र के आखिरी दिन जोरदार बारिश के चलते कई गरबा पंडाल ऐसे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है, और ऐसे में गरबा उत्सव यहां मुश्किल नजर आ रहा है, और इससे आयोजकों की परेशानी बढ़ गई है। नवरात्र के आखिरी दिन देखिए किस तरह से झमाझम बारिश वहां पर हो रही है। वहीं हरदा में भी किस तरह बारिश के बाद सड़कों में हालत है वो आप देख सकते हैं। रहटा कला गांव में अचानक बदला मौसम और जिसके बाद जोरदार बारिश, वही भारी बारिश में सड़कें तालाब बन गई हैं, नाले उफान पर हैं, सड़कें तालाब बन चुकी हैं। देखिए इस उफान को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी जोरदार बारिश यहां पर हो रही है। इतना पानी तो जब मौसम था बारिश का तब नहीं यहां पर इकट्ठा हुआ है। हरदा की अगर बात की जाए तो इंदौर में गरबा पंडालों में पानी जमा हो गया है, और हरदा में सड़कें देखिए, लग ही नहीं रहा कि ये सड़क होगी, लग रहा है कि कोई तालाब बह रहा है, कोई नाला बह रहा है। तो अचानक ये जोरदार बारिश हुई है इंदौर और हरदा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। अक्टूबर के महीने में बारिश के बाद ये स्थिति इससे पहले शायद ही कभी देखने को मिली हो, और अब यहाँ झमाझम बारिश हो रही है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर कितनी जोरदार बारिश हो रही है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में तो गरबा उत्सव पर भी ये बादल मंडरा रहे हैं। आज बिल्कुल सही कहा आपने कि गरबा उत्सव पर भी बादल मंडरा रहे हैं, और देखिए आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, नौवां दिन है, और गरबा पंडाल में पानी भर चुका है। कई जगह पर आज जो गरबा है अभी रोक दिया गया है, अभी गरबा शुरू नहीं हुआ है, और आने वाले समय में काफी वक्त भी लग सकता है क्योंकि गरबा पंडाल में पानी भर गया, और अभी भी इंदौर में बारिश का दौर जारी है। और देखिए अगर इंदौर की पिछले दो दिनों से मौसम की बात करें तो इंदौर में दो दिनों से काफी ज्यादा उमस थी, दिन में तेज धूप थी, लेकिन शाम होते होते इंदौर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है, झमाझम बारिश हो रही है, और मौसम विभाग का कहना है कि यह बरसात कल भी हो सकती है, यानी कल दशहरा का दिन है और कल रावण जो है विजयदशमी के दिन रावण को जलाने में कहीं ना कहीं आयोजकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि रावण गीले हो चुके हैं, और आज कहीं ना कहीं से थोड़ी सी उन्हें राहत मिली थी जब दिन में दो तीन घंटे की तेज धूप निकली थी, तो कहीं ना कहीं आयोजकों को लग रहा था कि शायद रावण सूख जाएंगे, लेकिन अब पानी का दौर फिर से जारी है, और इंदौर में अलग अलग जगह पर जहां पर रावण दहन है वहां पर रावण जो है वो लग चुका है, बड़ी बड़ी 100 फीट के ऊपर भी रावण बनाए गए हैं, लेकिन रावण गीले हो चुके हैं, और गीले होने के बाद में कल आयोजकों के लिए चिंता कि कल रावण को कैसे जलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बारिश ने एक तरफ गरबा का जो आयोजन है और दूसरी तरफ जो विजयदशमी के दिन रावण दहन का कार्यक्रम है, दोनों में खलल डाला है। मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले 24 घंटे में इंदौर में मूसलाधार बारिश होगी, और देखिए इस वक्त भी हम एक शेड के नीचे खड़े हैं लेकिन आपको पानी जो है वो गिरता हुआ नजर आएगा, बहुत तेज हवा चल रही है इंदौर में और इस तेज हवा के साथ में बारिश हो रही है, तो सड़कें इस वक्त लबालब हो चुकी हैं, गरबा पंडालों में बारिश हो चुका है, और मौसम विभाग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले 24 घंटे में इंदौर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा। बहुत धन्यवाद मिथिलेश गुप्ता आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर उज्जैन से है, जहां पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम की हत्या कर दी गई। पत्नी, बेटे और बेटे के दोस्तों पर आरोप लगे हैं। प्रॉपर्टी विवाद में पूर्व पार्षद का कत्ल किया गया। आरोपियों का भागते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, एक आरोपी, उसके बाद एक दूसरा आरोपी वहां से भागता हुआ आपको नजर आएगा। ये पहला आरोपी भागा, उसके बाद ये दूसरा आरोपी यहां से भागता हुआ आप देख सकते हैं। पूर्व पार्षद की पत्नी और बेटे पर भी आरोप है कि दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने ये हत्या को अंजाम कराया है, और प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है।
तो चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूर्व पार्षद की पत्नी, पूर्व पार्षद का बेटा और उसके दो दोस्त। अजय पटवा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अजय, अपने ही पति का मर्डर करवा दिया, ऐसा भी क्या विवाद था प्रॉपर्टी का? जी देखिए, गुड्डू कलीम जो है पूर्व पार्षद है कांग्रेस के, और साथ ही 31 आपराधिक मामले भी दर्ज है उनपे। लेकिन जिस तरीके से उनकी राजस्थान और उज्जैन के आसपास के इलाकों में जो करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी थी उनके जो है बेटे और पत्नी के नाम पे थी, पर कुछ दिनों से वो कुछ नई प्रॉपर्टी अपने जो नजदीकी रहने वाले रिश्तेदार के नाम पे करा रहे थे, जिसको लेकर इनकी पत्नी और बेटों में नाराजगी चल रही थी। इसी को लेकर जो है चार तारीख के दिन भी गुड्डू कलीम पर हमला हुआ था। इसमें एक पकड़ाने पर खुलासा होने वाला था, लेकिन जब गुड्डू कलीम ने घर पर आके बताया कि कल खुलासा हो जाएगा इस पूरे घटनाक्रम का, तो बस इसी दौरान जो एक से दो घंटे के अंदर पूरे प्लानिंग हुई और इसके अंदर ही गुड्डू कलीम को जो है मौत के घाट उतार दिया, और इसमें पूरे करोड़ों की प्रॉपर्टी का मामला बताया जा रहा है। जी बहुत धन्यवाद अजय आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर दतिया से है, जहां पुलिसकर्मी की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक पर जमकर लात घूंसे बरसाए हैं। रतनगढ़ मंदिर दर्शन करने गया था ये युवक, बसई मलिक पार्किंग का ये मामला है। दतिया से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस वाले ने किस तरह से दबंगई दिखाई है, ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। ये वीडियो वायरल हो रहा है, एक युवक पर पुलिस वाला जमकर यहाँ पर लात घूंसे बरसाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शख्स यहाँ रतनगढ़ मंदिर में दर्शन करने गया था, बसई मलिक पार्किंग में ये पूरा विवाद हुआ।